पहले स्वागत है आपका टेलीबाइट्स पे। बहुत बहुत धन्यवाद टेलीबाइट्स, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। यस, ब्रिंग इट ऑन। सबसे पहले शो के बारे में जानना चाहेंगे, शो का कॉन्सेप्ट क्या है और उसमें आप किस किरदार में आए? सो हमारा नया शो आ रहा है कुछ नहीं जगत की ऐसी है, सोनी चैनल पे मंडे टू फ्राइडे 8:30 PM। प्लीज 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 सबसे पहले तो ये शो देखें। और शो का कॉन्सेप्ट, जैसे आप लोगों ने पोस्टर्स देखे हैं कि दहेज प्रथा पे है, दहेज प्रथा के साथ साथ काफ़ी प्रथाएँ हैं जिन पर ये शो आधारित है। और खूबसूरत स्टोरी है, इसमें लव स्टोरी भी है, कुछ सोशल इश्यूज भी हैं, बिग फैट फैमिली है, गुज्जू परिवार है। गुज्जू वैसे कितने स्वीट होते हैं, छिया। और मेरा इसमें जो किरदार है, आई एम प्लेइंग द मेन प्रोटैगनिस्ट इन द शो, नेम नरेन रतन सिंह, जो बहुत कायदे का सीधा साधा मामाज बॉय लड़का है, लेकिन एट द सेम टाइम इज़ वेरी स्मार्ट। वो अपने फादर का बिजनेस संभालता है, अपने घर को संभालता है, जिस 24 years old डायमंड मर्चेंट है, और नंदिनी से भी इंतहा प्यार करता है, और नंदिनी से शादी करना चाहता है। वो शादी कैसे होगी वो आपको आगे जाके पता चलेगा। शो तो काफ़ी सारे हैं और काफ़ी दर्शक पसंद कर रहे हैं, इस शो में यूनिक क्या है, कुछ अलग क्या है? इस शो की जो USP होने वाली है वो ज़ार खान मेरा दोस्त है। इस शो की सबसे जो यूनिकनेस बात होगी कि आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में आज के वक्त में पता चलेगा जो आप भूल चुके हैं, क्योंकि हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, इस पर इतना मुब्तला हो गए हैं, इसमें इतना बिजी हैं कि हम अपने देश की पुरानी रीति रिवाज, अपनी कुरीतियों को भूल चुके हैं कि पहले क्या होता था, क्या सही है, क्या गलत है, उस वक्त में ऐसा था तो इस वक्त में कैसा होना चाहिए। तो वो सब आपको थोड़ा याद दिलाएगा। मैं आशा करता हूँ कि लोगों को समझ आएगी, लोग समझेंगे कि ये लोग जो दिखा रहे हैं सही दिखा रहे हैं, और हमें अच्छा लग रहा है, और हमें शो को नंबर वन शो बनाना चाहिए। शो जब भी आपको ऑफर हुआ था तो उस समय आपके माइंड में क्या चल रहा था, क्या सोच के आपने शो को एक्सपेक्ट किया? सर, जब ये शो ऑफर हुआ था उस समय मेरे माइंड में यही चल रहा था कि मैं गुजराती लड़का कैसे लगूंगा, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है उस किरदार में दिखना, वो किरदार लगना, क्योंकि काम करते हुए काफ़ी वक्त हो गया है, बहुत शोज आते हैं, बहुत आई थिंक एक दिन में एक एक दो दो शोज आ जाते हैं कभी कभी, कि आप ये करोगे नहीं चूजी, आई चूज माई वर्क वेरी वाइजली। एंड सबसे बड़ा मुद्दा मेरा यही था कि मुझे हेड्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ काम करना था, जी डी मजेडिया सर के साथ, जो हमारे राइटर्स हैं लाइक नीतू सर, जिनके मालिक राजू सर, क्योंकि साथ में मेरी बहू थी, तो मुझे हमारे इंडस्ट्री के दिग्गजों के साथ काम करना था ना, आई एम वर्किंग विद देम, सो आई एम फीलिंग वेरी लकी एंड ब्लेस्ड। सबसे बड़ा तो ये रीज़न, और शो में ही एक अलग कशिश है, एक अलग खुशबू, एक अलग डिफरेंट टेस्ट है, तो मैंने चलो इसको ट्राई करते हैं, हम देखते हैं, लेट्स सी वेयर इट गोज एंड हाउ इट गोज। इसके पहले आप जिस शो में थे वो अलग किरदार था, फैंस आपको उसी रोल में देखे थे, तो क्या लगता है ये नए किरदार में फैंस आपको कितना आएगी? सर, मेरी मैं कोशिश ये करता हूँ हर शो में कि मैं बहुत अलग दिखूँ। अगर मेरे आप पिछले सारे काम उठाएंगे तो आप हर शो में मैं अलग दिखूँगा, हर शो में मैं कहीं ड्रग एडिक्ट दिखूँगा, कहीं मैं आपको शायर दिखूँगा, कहीं मैं आपको देहरादून का नॉर्मल लड़का दिखूँगा, कहीं मैं अब मैं आपको एक गुजराती लड़का दिखने वाला हूँ, राजकोट का, जो राजघराने से ताल्लुक रखता है। क्या आप जो इस समय कैरेक्टर कर रहे हैं उससे कोई एक चीज़ जो आपसे रिलेट करती होगी? कोई एक चीज़ जो मुझसे रिलेट करती है, दैट इज़ अ गिव अप, इज़ वेरी इमोशनल, दिल का नरम है और सच्चा है, जो जान। शो का नाम है कुछ रीत जगत की, इसमें कॉन्सेप्ट भी अलग है, दहेज प्रथा वगैरह के ऊपर दिखाया गया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे जो आप आजकल चल रहा है दहेज प्रथा वगैरह? मैं सर यही बोलना चाहूँगा, दहेज प्रथा में ये आपके मेरे पड़ोस में हर जगह ये प्रथा देखते हैं, और ये सही नहीं है किसी से फोर्सफुली किसी को प्रेशराइज करके ये कहना कि हम आपके घर में तभी शादी करेंगे जब आप इतना हमें देंगे, बल्कि कि ऐसा होना चाहिए कि हम सिर्फ शादी करेंगे और हम आपसे कुछ नहीं देंगे। बात करें आपके को स्टार मीरा की, तो उन्होंने भी इससे पहले काफ़ी शो किया है, तो आपके साथ बॉन्डिंग कैसी, फर्स्ट इंटरेक्शन कैसा रहा? फर्स्ट इंप्रेशन, हम मीरा और हम एक दूसरे को ऐसे फ्रेंड्स नहीं थे, बट काम से एक दूसरे को जानते ही थे शुरू से, बिकॉज उनको भी काफ़ी टाइम हो गया है काम करते करते, मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया है काम करते करते, बट जब हम सेट पे मिले अपने वर्कशॉप्स की, तो आई थिंक हमारी वो केमिस्ट्री, वो फ्रेंडशिप एक दो दिन में बिल्ड हो गई। वो थोड़ी सी इंट्रोवर्ट है, मैं बहुत बोलता हूँ, कहते हैं ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, तो वही हमारे साथ हुआ, एंड आपको जादू दिखेगा,
19 फरवरी से 8:30 बजे सोनी टीवी पे, मजा आएगा आपको देखने। बिहाइंड द सीन की बात करें तो मीरा या आप सबसे ज़्यादा जोकी कौन है, मतलब शो खत्म होते या कट बोलते ही जोक या कुछ प्रैंक वगैरह करना? अब तो सभी करते हैं, पहले मीरा थोड़ी सी दबी दबी रहती थी, बट अब वो ज़्यादा जोक करती है, मैं कम करता हूँ। सो आई थिंक इट टेक्स टाइम, किसी भी इंसान को खुलने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। पूरी कास्ट मीरा मी एंड एवरीवन बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत मजे से करते हैं। एक रूम में 17 लोग बैठ के लंच करते हैं, सोचो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे अच्छा बॉन्ड क्या होगा। जाते तो फैंस के लिए एनी मैसेज? मैं फैंस को यही बोलना चाहूँगा, गाइस आपने नहीं ये करना है, बहुत प्यार दिया है आज तक, प्लीज उसको बरकरार रखिए, प्यार देते रहिए। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा और आपको मेंटेन करता रहूँगा, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है गाइस। आई थिंक दिस इज नॉट इवन द बिगिनिंग फॉर मी, सो जस्ट कीप लविंग मी एंड डू वॉच माय वीडियोस। थैंक यू। जैसा कि आपने प्रोमो में देखा, शो का नाम है कुछ रीत जगत की कैसी है, और मैं नंदिनी का किरदार निभा रही हूँ। तो नंदिनी एक ऐसी लड़की है जो जो अपने मोरल्स पे खड़ी रहती है, उसे उसके वैल्यूज है, उसके मोरल्स हैं। एक गर्ल नेक्स्ट डोर है, अच्छे से अपनी ज़िंदगी जीना चाहती है, लोगों को प्यार करना चाहती है, बट साथ ही साथ जहाँ उसे कुछ गलत होता हुआ दिखती है देखती है तो वो उसके खिलाफ खड़ी होती है। एंड जैसे कि अपने फोनों में देखा, नंदिनी और नरेन की एक सुंदर सी लव स्टोरी है जो कि शादी के बाद अनफोल्ड होती है, और नंदिनी को रियलाइज होता है कि दहेज लिया गया था, तो वो अपना दहेज वापस मांगती है। शो तो काफ़ी सारे चल रहे हैं, बट इस शो में यूनिक क्या है फैंस के लिए कि मतलब? आई थिंक सबसे यूनिक बात यही है कि बहुत से शो में यहाँ पे दहेज का टॉपिक एड्रेस किया गया है, लेकिन ये पहली बार होगा टीवी पे जब एक लड़की अपना दहेज वापस मांग रही है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और लोगों को देखने में बहुत मज़ा आएगा। फर्स्ट टाइम ये रोल ऑफर हुआ आपको, तो आपके माइंड में क्या चल रहा था? आपने कुछ नहीं चल रहा था, जब मैंने स्टोरी सुनी तो आई वाज वेरी एक्साइटेड, और मुझे था कि नहीं 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 ये मुझे करना ही है, एंड आई वाज लिटरली होपिंग एंड प्रेइंग कि मुझे ये शो मिल जाए। जान के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है? इट्स वेरी नाइस, इट्स गुड, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रहता है सेट पे, नॉट जस्ट विद जान, पूरा सेट हमारा बहुत फन लविंग है और बहुत मज़ा आता है। एंड जान इज अ वेरी फन पर्सन टू बी अराउंड, बहुत सिंसियर है अपने काम के लेकर, पर साथ ही साथ वो बहुत हंसाते हैं, बहुत मस्ती कराते हैं, तो इट्स गुड एनवायरनमेंट। शो में जो आपने रोल किया है, कोई एक चीज़ जो आपसे रिलेट करती हो? आई थिंक नंदिनी और मीरा में सिमिलैरिटी ये है कि मैं भी गुजराती हूँ और नंदिनी भी गुजराती है, तो वो जो गुजराती कल्चर से एसोसिएशन है वो बहुत स्ट्रॉन्गली निकल कर आता है। इसके पहले आपने काफ़ी शो किए हैं, तो जो वो रोल था वो फैंस ने आपको देखा है, तो ये रोल्स में क्या लगता है आपको कितना? आई होप कि वो सब लोग जो मुझे इतने सालों से प्यार करते आए, वो इस शो को भी देखने आए और इतना ही प्यार दें। एंड लास्टली शो जो है एक दहेज प्रथा पे है, तो आजकल आज भी ऐसे काफ़ी गांव है जहां पे ये इंसिडेंट्स होता है, तो आप शो के जरिए और अपने जरिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कि एक तो दहेज प्रथा बैन है, तो सबसे पहले तो कोई मांगता है तो आप मना कीजिए, और अगर फिर भी नहीं सुनते हैं तो आप जाके पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि यू नो इस रीत को बदला जाए। ये जो गिफ्ट्स के नाम पे कह लो, स्त्री धन के नाम पे कह लो, चलते ही आ रहा है और ये बहुत गलत है। लास्टली फैंस के लिए मैसेज, थैंक यू फॉर लविंग मी ऑल दीज इयर्स, एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज कम एंड वॉच माय न्यू शो कुछ रीत जगत की ऐसी है, मंडे टू फ्राइडे 8:30 PM ओनली ऑन सोनी। सबसे पहले शो के बारे में जानना चाहेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है और उसमें आप क्या किरदार निभा रहे हैं? कॉन्सेप्ट यही है डाउरी के लिए, सिर्फ डाउरी के लिए नहीं है, कुरीतियों के को लेकर ये सारा कॉन्सेप्ट बना हुआ है। मेरा कैरेक्टर मणि मामी है, जो कि जो लीड है हमारी शो की, नंदिनी उसकी मामी का कैरेक्टर है मेरा।
मामी वैसे बहुत अच्छी है, पॉजिटिव कैरेक्टर है, लेकिन हाँ बोलने में और वैसे बहुत ही की है कोई भी चीज़। फिर बालिका मधु के जो हमारे राइटर थे उन्होंने जो सीखा वो भी हमारे राइटर थे शो के, और जो हमारे डायरेक्टर हैं संजय उपाध्याय, तो ये पूरी टीम जो मैंने सुना और देखा वो चीज़ को लेकर ही मतलब मेरा मन और भी हो गया कि मुझे ये, जहाँ समाज की बात है तो समाज में जैसे रहा जाता है वैसे ही इतनी ही प्रैक्टिकलिटी में वो मानते हैं, तो बात ये जैसे कि शो का नाम है कुछ रीत जगत की ऐसी, दहेज प्रथा के ऊपर बेसिकली शो है, तो आप मैसेज क्या देना चाहेंगी सबको कि क्योंकि दहेज प्रथा ऑलरेडी आज भी चल रही है। बस मैसेज यही मेरा है कि सोनी टीवी पे कुछ रीत जगत की ऐसी है, ये आप सीरियल देखिए मंडे टू फ्राइडे रात को 8:30 बजे जो 19 February को टेलीकास्ट हो रहा है, तो मेरा मैसेज मेरे फैंस के लिए और ऑडियंस के लिए यही होगा कि सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे प्लीज 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 ये शो और देखिए कि ये शो कैसे अलग है, आप निराश नहीं होंगे। सीरियल्स ऑन सेट्स टू पर्सनल इंटरव्यूज एंड फन सेगमेंट्स विद एक्टर्स, सब्सक्राइब टू टेलीबाइट्स राइट अवे।